यूपी की हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला टक्कर होता नजर आ रहा है। सुल्तानपुर सीट से बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मैदान में हैं। मेनका को टक्कर देने के लिए सपा ने यहां से राम भुआल निषाद को टिकट दिया है। सीट पर अगले चरण यानी छठे फेज में 25 मई को वोटिंग है, लेकिन इससे पहले सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। सुल्तानपुर जिले की एसोली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह मंगलवार को सपा में शामिल हो गए। सुल्तानपुर में चंद्रभद्र की गिनती बाहुबली नेताओं में होती है। 2019 के लोकसभा सीट में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने मेनका गांधी को कड़ी टक्कर भी दी थी। सीट पर इतना करीबी मुकाबला हो गया था कि मेनका गांधी का मात्र 14,526 वोटों से जीत हासिल की थी। मेनका गांधी को 4,59,196 वोट मिले, जबकि चंद्रभद्र को 4,44,670 वोट के साथ सीट पर दूसरे नंबर पर थे। चुनाव में बीजेपी और सपा के वोट प्रतिशत की बात करें तो 1% से कुछ ज्यादा का अंतर था। अब चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चंद्रभद्र सिंह को अपने पाले में ले लिया है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी गई। सपा के मुखिया अखिलेश यादव को चंद्रभद्र गुलदस्ते देते हुए नजर आए। सपा के लिए चंद्रभद्र कितनी अहमियत रखते हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव खुद पूर्व विधायक का पार्टी में स्वागत करते हुए नजर आए। सुल्तानपुर में सियासत की एक नई बसात दोनों नेताओं के चेहरे पर साफ झलक रही है। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सपा के लिए नए नहीं हैं, वो 3 बार के पूर्व विधायक हैं। सपा में आने से पहले वो बसपा में थे, लेकिन बसपा में उनकी एंट्री सपा से हुई थी। चंद्रभद्र पहली बार सपा से ही विधायक निर्वाचित हुए थे, बाद में उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली। लेकिन जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनने से पहले उन्होंने सभी पार्टियों से इस्तीफा दे दिया था, तब से अभी तक चंद्रभद्र निर्दलीय राजनीति करते आ रहे हैं। एक दिन पहले वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन कुछ घंटे में सियासी खेल बदला और चंद्रभद्र ने सपा का दामन थाम लिया। चंद्रभद्र सिंह ठाकुर जाति से आते हैं। सुल्तानपुर में ठाकुर मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। चंद्रभद्र 3 बार के पूर्व विधायक हैं, ऐसे में उनके पास समर्थकों की भी अच्छी खासी संख्या है। खासकर ठाकुर में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। इसके अलावा सुल्तानपुर में उनकी गिनती बाहुबली नेताओं के रूप में होती है, ऐसे में ठाकुर के अलावा अन्य समुदाय के वोटरों में भी चंद्रभद्र अच्छी पैठ रखते हैं। पिछली बार के चुनाव में चंद्रभद्र सिंह सुल्तानपुर में अपने सियासी बाहुबल का प्रदर्शन भी कर चुके हैं, ऐसे में चंद्रभद्र को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। अब सुल्तानपुर के जातीय समीकरण को समझ लेते हैं। इस सीट पर कुल वोटरों की संख्या 18,34,355 है, इसमें 80% हिंदू और 20% के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। इस सीट पर सबसे ज़्यादा करीब 22% आबादी दलितों की है। इसके अलावा ठाकुर ब्राह्मण के साथ साथ ओबीसी की बड़ी आबादी भी क्षेत्र में है। चंद्रभद्र सिंह को लेकर कहा जाता है कि दलित और ओबीसी वोटरों के बीच में भी उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है, इसलिए 25 मई को वोटिंग से ठीक पहले चंद्रभद्र सिंह का सपा में शामिल होना बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है। बीएसपी की ओर से उदय राज वर्मान के मैदान में उतरने के बाद से सीट पर पहले से ही त्रिकोणीय मुकाबला है। अब चंद्रभद्र सिंह सपा में शामिल होकर कहीं ना कहीं मेनका गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। सपा के पास प्लस पॉइंट ये भी है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है।